Good morning, class, and welcome back. I Kanika Narwal. I'm back with you with a new chapter, that is Exploring Heights. Chapter is chapter number 15, and we will study कैसे कैसे अलग अलग माउंटेनियर्स हमारे देश का नाम रोशन करके आए हैं. Exploring Heights का मतलब कैसे some of the famous personalities went to the highest mountain peak of the earth or even in the space so that they could explore, ताकि वो बहुत चीज़ों की खोज कर सके. So starting with the chapter, humans have always been fascinated by this universe. Maybe it's the highest mountain peak present on the earth, the Mount Everest, or space exploration. Human has always shown enough courage to go and explore these places. Let us read about some of these explorations. कैसे कैसे कुछ लोग कितनी हिम्मत दिखा देते हैं कि वो हाईएस्ट पीक तक जाते हैं, मतलब जहाँ पे उन्हें हमारे देश की और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उस जगह तक जाकर वो देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल. इट्स हाइट इज़ 8848 मीटर्स. इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक. माउंट एवरेस्ट को वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक कहा गया है, वो हमें सबको पता है. इस पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? दो लोग थे जो गए थे साथ में, सर एडमंड हिलारी एंड शर्पा टेंजिंग नोगे. ओके, दे क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट इन 1953. दे प्लांटेड द नेशनल फ्लैग्स ऑफ देयर कंट्रीज ऑन द समिट. Before them, many explorers tried to scale the Mount Everest, but all of them failed. ये लोग गए थे पूरे वर्ल्ड में से, ये दो पहले लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, एंड उन्होंने वहाँ जाकर अपना देश का झंडा लगाया था. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. बचेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था इन 23 मई 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था. एंड देन संतोष यादव ने दो बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया. ओके, एक तो 12 मई 1992 एंड द सेकेंड वन इज 10 मई 1993. सो दीज बोथ आर इम्पॉर्टेंट. बचेंद्री पाल फर्स्ट टाइम गई थी माउंट एवरेस्ट, एंड संतोष यादव शी वेंट ट्वाइस टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. माउंटेनियरिंग क्या होता है? माउंटेनियरिंग इन्वॉल्व सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट हेल्प वन असेंडिंग माउंटेन्स. माउंटेनियरिंग हेल्प स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. बींग इन फिजिकल कंडीशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब हेल्दी रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम माउंटेन क्लाइंब करना चाह रहे हैं तो हमें फिजिकली फिट होना पड़ेगा. तो द मोस्ट एफिशिएंट एक्सरसाइज फॉर दिस पर्पस इज माउंटेनियरिंग इटसेल्फ और वर्कआउट दैट हेल्प्स द मेन मसल ग्रुप्स. एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना इम्पॉर्टेंट है. और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? चढ़ने के लिए ऑब्वियसली पैर होते हैं, सो थाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जब हम माउंटेनियरिंग कर रहे हैं. जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो इसमें हेल्प करती हैं वो हैं स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग एंड रोइंग. ओके, स्पेस एंड इट्स एक्सप्लोरेशन. All the objects seen in the sky are heavenly bodies, that is planets, star, moon, satellites, sun, asteroids, comet, meteors. All these heavenly bodies make up the solar system. There are 8 planets in our solar system. ये हम लोग देख सकते हैं कैसे कैसे there are 8 planets in our solar system. And this is moon near earth. ओके, ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है जो प्रेजेंट होती है अर्थ की. नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून. सैटेलाइट इज अ बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. अब अर्थ हुआ एक प्लैनेट और उसकी सैटेलाइट है मून. दिस इज अ नेचुरल सैटेलाइट. ओके, मतलब ये ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, ये भगवान ने दी हुई है, ये इंसान ने नहीं बनाई हुई.
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन मेड, ऐसे दिखती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ओके, दैट आर सेंड इन टू स्पेस टू नो मोर अबाउट इट, जो भेजी जाती हैं स्पेस में ताकि हम लोग और पता लगा सकें कि हमारी पृथ्वी के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं या हमारे स्पेस में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है. फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी वो थी स्पुतनिक फर्स्ट इन 1957 जो कि रशिया ने लॉन्च की थी, बट जो इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी 1975 में वो थी आर्यभट्ट. ओके, दीज टू आर इम्पॉर्टेंट लाइन्स, प्लीज काइंडली अंडरलाइन देम. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. अब ये स्पुतनिक एंड आर्यभट्ट भेज तो दी है, बट ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ये दूसरी कंट्रीज, दैट इज इट हेल्प्स अस टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर. इट हेल्प्स इन वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग आपका हुआ कि अगर आपकी टेम्परेचर, जैसे हम लोग नॉर्मली भी देख पाते हैं कि आजकल टेम्परेचर्स हमारे फोन्स में भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स, बिकॉज ये हम तक सारा का सारा डेटा पहुंचा पाते हैं. इट हेल्प्स अस टू सी लाइव प्रोग्राम्स हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इवन अगर हम लोग देखें तो अगर हमारी परेड होती है दिल्ली और हम लोग उसको टीवी पर देख पाते हैं लाइव, तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स. ओके, इट हेल्प्स ट्रांसफर टेलीफोन कॉल्स ओवर द ओशंस. इट हेल्प्स सपोर्ट द मिलिट्री एक्टिविटीज. कहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से हम लोग जासूसी कर सकते हैं दूसरों की, ये सब हेल्प. अब एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट्स होते क्या है? ये वो लोग हैं जो स्पेस में जाके स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं वहाँ पर कि क्या चीज़ ऐसी नहीं है जो हम लोग सैटेलाइट्स के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं. सो एस्ट्रोनॉट इज़ अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस, जिसको पहले ही तैयार किया जाता है ट्रैवल करने के लिए स्पेस में. ओके, द फर्स्ट वीमेन टू गो टू स्पेस, जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वीमेन थी वो थी वैलेंटाइना टेरेश्कोवा. ओके, एंड फर्स्ट मैन, जो पहला आदमी था वो था यूरी गागरिन. ओके, बट ये सब हुए वर्ल्ड में. इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन गया? राकेश शर्मा वॉज बोर्न ऑन 14 जनवरी 1949 एट पटियाला पंजाब. व्हेन ही ग्रू अप ही ज्वाइंड इंडियन आर्म्ड फोर्स. ऑन 2 अप्रैल 1984 ही वेंट टू स्पेस विद टू सोवियत कॉस्मोनॉट्स इन स्पेस क्राफ्ट नेम सोयूज T-11. ये उस स्पेस क्राफ्ट का नाम था जिसमें राकेश शर्मा ट्रेवल करके स्पेस में गए थे. ओके, एंड जब वो वापस आए तो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि कैसा दिखता है इंडिया फ्रॉम स्पेस, तो ही आंसर्ड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. सो नाउ मूविंग ऑन, कल्पना चावला, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई. ओके, शी ट्रैवल्ड टू स्पेस. उनका फर्स्ट मिशन स्टार्ट हुआ था 19 नवंबर 1997 में, एंड शी डाइड इन 2003 जब उनका स्पेस शटल वापस अर्थ में एंटर कर रहा था. दैट टाइम द स्पेस शटल गेट बर्न, वो जल गया था, इसी वजह से वापस आते हुए शी डाइड. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीमेन, ये सुनीता विलियम्स, ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टे करके आई थी स्पेस में, सबसे ज़्यादा देर तक स्पेस में रही थी. ओके, विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आर चैप्टर. दीज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल जिन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है. सो काइंडली गो थ्रू नाइसली. ओके, एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आर चैप्टर. काइंडली कम्प्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स इन नोटबुक. थैंक यू.